नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, अब चुनाव बंगाल में है। बंगाल चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयार हो गई है। हम खास करके बात कर रहे हैं बंगाल में दो पार्टियां हैं जो आमने सामने हैं। एक तरफ है बीजेपी, एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है और ममता बनर्जी का गढ़ भी कहा जाता है बंगाल को। और उस गढ़ को तोड़ने के लिए, उस गढ़ को खत्म करने के लिए बीजेपी इस बार जोरों से तैयारियां कर रही है, क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से बिहार में मैंडेट मिला है, एक बड़ी पार्टी बन करके बीजेपी उभरी है। अब तमाम तैयारियां की जा रही है बंगाल चुनाव को लेकर के। अब आगे क्या क्या होगा, तमाम चीज़ें बताएंगे। इसके लिए आपको पूरी खबर देखना होगा। बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं, खास करके हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पिछले दिनों दौरे पर थे। उसके बाद फिर बीते दिनों की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय दोनों समारोह में मौजूद होने गए थे। लेकिन और बीच रास्ते पर टीएमसी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं आपस में झड़प हो गई और इस झड़प में कई लोगों को जख्मी हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं, जब जेपी नड्डा रास्ते से गुजर रहे थे तो वहीं जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ और कैलाश विजयवर्ग के शीशे पर ईंटा फेंका गया है, जो कहा जा रहा है ईंट टीएमसी के समर्थकों ने फेंका है, जो कथित तौर पर जो आरोप लगाया जा रहा है। और आरोप और प्रत्यारोप का दौर बीजेपी तमाम कहें और तृणमूल के बीच में शुरू हो गई है और सियासत भी इसको लेकर के तेज हो गई। ये सियासत अब सुशील कुमार मोदी सियासत में भी घुस आए, मतलब कहें कि इंटर कर गए हैं और इसको लेकर एक बयान दिया है उन्होंने, ट्वीट करके बयान क्या कुछ दिया है। और लगातार इसको लेकर के अपडेट रहते हैं सुशील कुमार मोदी, क्योंकि अब वो केंद्र की राजनीति में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेताओं के काफिले पर ममता बनर्जी की टीएमसी के गुंडों का हमला लोकतंत्र को लहूलुहान करने जैसी करतूत है, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को लहूलुहान करने की ऐसी करतूत है। तो ऐसे लगातार आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है। खास करके बीजेपी की बात करें तो एक बड़ा मैंडेट बनने के बाद बीजेपी चाहती है बंगाल में अपना वर्चस्व को स्थापित करना, जो कि ममता का गढ़ है बंगाल, ममता के गढ़ को तोड़ना चाहती है, किले फतह करना चाहती है। इसके लिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं तैयार हैं और बंगाल कूच कर रहे हैं और तमाम तैयारियाँ की जा रही है। और इसको लेकर के लगातार बयानबाजी और सियासत भी तेज हो गया है और सुशील कुमार मोदी भी इस सियासत में कूद गए हैं और लगातार वो ट्वीट भी कर रहे हैं। ट्वीट के जरिए जो हमला हुआ है उन पे लोकतंत्र पे खतरा बताया है। उसके बाद एक और ट्वीट किया उन्होंने जिसमें कहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नड्डा पे हमला हुआ है, अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं बंगाल के कैलाश विजयवर्ग, उसके भी गाड़ी पे हमला किया गया है। तो कहा जा रहा है कि ये कथित तौर पे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है और बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और इस आरोप को खारिज कर रही है। और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और उनका बयान है कि उनका कहना है कि बीजेपी के लोग भी को पसंद नहीं करते हैं बंगाल के लोग। इसको लेकर के तमाम अब सियासत भी शुरू हो गई है। क्या कुछ हो रहा है बंगाल में आने वाले समय में, क्या कुछ होगा, लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे, क्योंकि बंगाल एक बड़ा राज्य है और बीजेपी चाहती है उसमें अपना राजनीति में कायम करना। और बीजेपी चाहती है कि इस बार का मुख्यमंत्री बीजेपी से हो, वर्चस्व कायम करना चाहती है। लगातार आप भारत लाइव के साथ जुड़े रहें। इस खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।